नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कालचक्र में। मित्रों, आज फिर एक नया विषय, एक नए शानदार विषय के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं सुशांत कश्यप जी का। सुशांत जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज हम बात करते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में या नाड़ी जाति ज्योतिष के अकॉर्डिंग कुंडली में ऐसे कौन से ग्रह होते हैं जो काल भैरव भगवान की या उपासना का योग बनाते हैं, कैसे देखें हम कुंडली में और कैसे लगाएं संभावनाएं कि कब हमें जरूरत है काल भैरव जी की उपासना करने की। नाड़ी ज्योतिष के अनुसार शनि और राहु ग्रह, इन दोनों ग्रहों का आपस में संबंध बनना ही दर्शाता है कि काल भैरव जो भगवान शिव का ही एक रूप है, उस रूप की उपासना करने से जातक को लाभ मिलेगा। काल भैरव को अगर हम समझने जाएं तो काल भैरव के रूप को अगर हम देखें तो अपने आप में भी रूप में यह हाथ में एक डंडा लिए हुए हैं, यानी स्टिक लिए हुए हैं, और जिससे जो अर्थ कहा जाता है, शास्त्र कहता है कि यह दंड देते हैं। यानी दंड किस चीज का देते हैं? दंड देते हैं कर्मों का, आपके खराब कर्मों का दंड प्रदान करने आते हैं काल भैरव। काल भैरव यहाँ पर जिस दंड की बात हो रही है, ये दो प्रकार के दंड हैं। एक तो वह जो जातक द्वारा खराब कर्मों द्वारा किए गए, और दूसरा ये जिस किसी जातक के ऊपर तांत्रिक क्रियाओं के माध्यम से कोई व्यक्ति तंत्र करता है तो उसको काल भैरव रूप में भगवान शिव का ये रूप दंड प्रदान करता है। तो जब भी जन्म कुंडली में शनि और राहु का संबंध आता है तो उसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं अगर आज आप बहुत हद तक परेशान हैं, आपका काम बिल्कुल नहीं चल रहा है, काम काज में समस्या है, या कुछ भी जीवन में रोग गंभीर है और जिसमें कि आपको लगता है कि बचपन से लेके अब तक की इस आयु में आपने किसी का गलत नहीं किया, आपके द्वारा किसी प्रकार का गलत कर्म नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं ये पिछले जन्मों के कर्म। भृगुनंदी नाड़ी के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि शनि राहु जब साथ में आते हैं और ट्रांजिट में खासतौर पर संबंध बनता है तो बैड कर्मास के रिजल्ट देखने को मिलते हैं ऐसे टाइम में जाकर जो उसने कभी किए होते। तो ऐसे में रिलीफ पाने के लिए काल भैरव जी की उपासना करने से जातक को लाभ मिलेगा जिन जिन लोगों की कुंडली में शनि और राहु का संबंध। और मैं यहाँ पर एक और चीज और ऐड कर देता हूँ, यदि आप पराशरी दृष्टि से जन्म पत्री देख रहे हैं तो ऐसे में यदि शनि में राहु की अंतरदशा या राहु में शनि की अंतरदशा चले तो भी इस योग में काल भैरव की उपासना करने से लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि यह योग भी यहाँ पर इसी प्रकार के रिजल्ट देते हैं। आपने देखा होगा कि शनि राहु के कॉम्बिनेशन में वैसे भी जातक के ऊपर किसी भी प्रकार की बुरी आत्माएं या जैसे कहते हैं तंत्र आदि का अटैक होने की संभावना होती है। और खैर, हम चार्ट में अगर हम इसे देखें तो बहुत एक इसका माइन्यूट तरीका है जहां से आप एग्जैक्टली निकाल सकते हैं कि कितनी इंटेंसिटी से ये प्रॉब्लम आने की। तो शनि राहु अपने आप में भगवान शिव के एक रूप को दर्शाता है जो कि काल भैरव रूप हम समझ सकते हैं। तो उनकी उपासना करने से इस योग से मिलने वाली नेगेटिव ऊर्जाएं शांत होती हैं और पॉजिटिव ऊर्जाएं आपको देखने को मिलती है। तो मेरा मानना यह है कि जिन जिन कुंडलियों में ये योग हो ऐसे लोग एटलीस्ट काल भैरव जी के मंदिर जाकर अगर हाथ जोड़कर आए या उनको वहां पर कोई भी चीज अर्पण करके आए तो बेहतर होता है। अगर चंद्रमा इन दोनों ग्रहों के बीच में फंसा हुआ है तो काल भैरव जी के मंदिर जाके दूध का चढ़ावा देने से भी आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा इस कॉम्बिनेशन के। बहुत बढ़िया, एक बहुत गंभीर और सटीक विषय के ऊपर अच्छी सी जानकारी, और इस बहुत अच्छी जानकारी के लिए हृदय से धन्यवाद। सुशांत जी, आप अपना मोबाइल नंबर दर्शकों के लिए बता दीजिए। 7678181046 इट्स माय मोबाइल नंबर। एक बहुत शानदार वीडियो के लिए फिर से हृदय से धन्यवाद और नमस्कार।